हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 3.21। और यही सेम क्वेश्चन काफ़ी बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे टीजीटी 2004 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पॉइंट ए एंड बी ऑफ द गिवन इनफिनिटली लॉन्ग सर्किट वी, तो इस तरह के इनफिनाइट सर्किट है और हमें फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ देखो, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द 12 वोल्ट बैटरी सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय द इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। अब देखो, यहाँ पर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ये इस तरफ दिया है और कहा है कि ये जो पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स से पॉइंट ए और बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ए और पॉइंट बी के बीच में मैं मान के चलता हूँ कि बैटरी यहाँ पर दे रखी है 12 वोल्ट है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। तो हमें इस क्वेश्चन में 3.21 में फाइंड करना है कि कितना करंट इस बैटरी से ड्रॉ होगा जब हमारे पास इतना सारा रेजिस्टेंस है और 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ए और बी के बीच में, यानी कि अनंत जो पूरा सर्किट है, इन्फिनेटली लॉन्ग सर्किट, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एजम्पशन मान के चलूंगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या एजम्पशन हम लेकर के चलेंगे इस क्वेश्चन में। तो मैं मान के चलता हूँ कि इतना जो पूरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर इनफिनिटली तक, मैं इसको इतने पोर्शन में कट कर लेता हूँ, सपोज कीजिए ऐसे, ठीक है। यानी कि इससे पीछे पीछे का जितना भी रेजिस्टेंस है, मैं मान के चलता हूँ कि लेट वो रेजिस्टेंस है आर। तो इसके पीछे का पूरा रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, आर। यानी कि इसी सर्किट को अब मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ पर देखो 1 ओम तो है ही है पॉइंट ए, और ये 1 ओम को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैंने इसको 1 ओम ही रखा है, और ये है पॉइंट बी। हाँ, इसके पीछे का मतलब इस इतने के पीछे का जितने भी रेजिस्टेंस है, मतलब ये पूरा इधर पूरा का रेजिस्टेंस मैंने इसको आर मान लिया है। तो जो आर होगा, जो भी है टोटल, वो मैं कंप्लीट मान करके चल रहा हूँ कि लेट वो कैपिटल आर है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ आर मैंने क्या माना है। तो जो भी इतने से पीछे का पूरा सर्किट है उसको मैंने आर मान लिया, मुझे नहीं पता वो कितना है। ठीक है, तो ये इन्फिनेटली लॉन्ग है। अब देखो, सब कुछ सब जैसे ऐसे, वन वन यहाँ पर, वन फिर वन वन यहाँ पर, वन, तो सब कुछ एक जैसे ही है। तो यहाँ पर मैंने आर मान लिया। अब देखो, ये जो आर है और ये जो आर है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो अगर इसी सर्किट को मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूँ, तो R और 1 दोनों पैरेलल में, तो देखो आपको मैं पहले बता देता हूँ, अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हम करते हैं आर वन आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो यही आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आर और 1 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा। देखिए, R1 को मैं लिख सकता हूँ, पैरेलल जो भी आएगा वो मैं 1 को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट ए है। फिर यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल, मैं भी बताऊंगा कितना आएगा, और ये एज इट इज है। ठीक है, ये भी। तो यहाँ पर मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों को, तो मैंने बताया मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन कर दो, यानी कि R into 1 upon R plus 1, R into 1 upon में R plus 1 आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख दीजिए कितना आ जाएगा, R upon में R plus 1। ठीक है ना, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है इन दोनों का, R1 R का और 1 का आ जाएगा R upon R plus 1, क्योंकि इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन करके निकाल सकते हैं। अब देखो, ये तीनों ही, अगर मान लो सर्किट से यहाँ से कोई करंट निकला, तो ये तीनों करंट, तीनों में सेम करंट जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब अब इन तीनों को मैं किस में लूंगा, सीरीज में। ठीक है, 1 को R upon R plus 1 को और 1 को, तीनों में किस में लेंगे, सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में लेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा, आर इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में, सीरीज में ले तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे, प्लस में 1। ठीक है, अब आप देखो, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2, और R upon में R plus 1। ठीक है ना, आपको पता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस है उनको सबको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। अभी जो आर इक्विवेलेंट होगा, अब देखो मैंने इतना सारे इन्फिनाइट रेजिस्टेंस था यहाँ पर, वैसे एक ही तो बच गया था। जब इतने सब का रेजिस्टेंस आर है, तो उससे थोड़ा सा उसमें आप ऐड कर दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। तो इन सब को, मतलब आर इक्विवेलेंट को मैं कंसिडर कर लूंगा कि लेट वो आर ही के बराबर है। ठीक है, ये थोड़ी सी अजम्पशन इसमें हमें करनी पड़ेगी। आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लीजिए समुद्र है, और समुद्र से आपने एक छोटा सा पानी ले लिया थोड़ा सा ग्लास में, तो उस समुद्र के टोटल वॉल्यूम में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है।
इसी तरह से जो पूरा मैंने आर माना था, तो अगर मैं उतने इन तीनों को और कनेक्ट कर दूं तो वो लगभग आर के ही बराबर होगा। तो आर इक्विवेलेंट को मैंने आर के बराबर मान लिया है, और यहाँ पर ये आगे 1 + r / r + 1 + 1 और 1 और 1 2 हो गया। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 2 + r / r + 1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ले लीजिए तो 2 r + 2 + r। और अपॉन में कितना आ जाएगा, r + 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा r² + r = 2r + 2 + r। ये r जब दोनों साइड तो कैंसिल आउट होगा और हमारे पास आएगी इक्वेशन r, मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -k 2r, और 2 को भी इस तरफ ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, -k 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बन रही है, जो कि है r² - 2r - 2 = 0। अब थोड़ा सा मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से, x² + bx + c = 0। तो जो हम एक्स निकालते हैं वो होता है -b + √b² - 4ac / 2a। ये आपने क्लास 10 का फॉर्मूला पढ़ा होगा। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए इसको अप्लाई करूंगा, तो यानी कि r = हो जाएगा -b, यानी कि r का कोएफिशिएंट कितना है, -2, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +k 2, ठीक है। ये आ गया +2। अब प्लस माइनस रूट में b² यानी कि इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर -4ac, -4 × a कितना है, 1 है, c कितना है, -k 2 है, यहाँ पर ये c होता है ना कंपेयर करने से। अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 × r² का कोफिशियंट कितना है, 1 है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 + अंदर कितना आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 + 4 12, तो 12। और नीचे कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 ओनली। मैं इसको थोड़ा भी ऊपर लिख देता हूँ, तो हमारे पास फाइनली r = आ जाएगा 2 + -। और देखो √12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, √3 × 2। अब देखो 2 2 जब 4 × 3 12 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, 2। और जब आप इसको अलग अलग दो को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + -√3, यानी कि r की वैल्यू 1 + -√3 है। अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे इसमें हम, ठीक है। तो दो पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर, एक तो वैल्यू हो जाएगी 1 + √3, ठीक है, और एक आ जाएगा r = r - 1 - √3, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो जब आप इसमें माइनस करोगे तो 0.732 माइनस का आ जाएगा, तो माइनस वाला हम लेंगे नहीं, इसलिए हम सिर्फ कंसिडर करेंगे पॉजिटिव साइन ओनली। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 + √3। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर मिल गया कितना, 1 + √3। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अभी हम यहाँ पर करंट भी निकालेंगे, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 + √3 × ओम, मतलब ओम यूनिट हो जाएगी, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2.732। तो हो सकता था इस तरह से ऑप्शन ना दे करके वो 2.732 भी दे दे, तो तब भी आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। अब जो बचा हुआ पार्ट है हम उसको सोल्व करेंगे, तो मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से हो गया है कि टोटल जो रेजिस्टेंस है आर हमने फाइंड कर लिया है, वो है 2.732 ओम, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारी बैटरी है एक 12 वोल्ट की, जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो 12 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए। अब देखिए आपको निकालना है करंट, तो करंट बराबर होगा टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर टोटल। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 2.732, और ये इसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी का उसके साथ रहेगा सीरीज में, तो 12 ईएमएफ अपॉन में 2.732 में प्लस कर दीजिए आप 0.5 को, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर, मतलब जो करंट आएगा, इट विल बी इक्वल टू 713 एम्पेयर, यानी कि 3.713 एम्पेयर। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कोशिश की थी, ये जो इनफिनाइट रेजिस्टेंस है उसको हमने थोड़ा सा एज्यूम करा था कि ये आर के बराबर होगा, फिर इसको सोल्व किया तो आर की वैल्यू आई हमारी 1 + √3,
और 1+√3 के बाद हमने करंट निकाला ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करके। तो आई होप कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या कोई और भी डाउट है फिजिक्स में तो आप मुझे उसको शेयर कर सकते हैं, और मैं उस पर एक वीडियो अपलोड करूंगा आपके। धन्यवाद एंड कीप स्टडिंग।